गाइस कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि विद प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे मैंने जो है पहले ही महीने के अंदर करीब 7000 से ज्यादा जो है प्रॉफिट कमाया है ड्रॉप शिपिंग के जरिए। तो ये मैं जो है पहले आप लोगों को एजुकेट करने से पहले जो है मैंने खुद उसको यूज करके देखा, इस मॉड्यूल को खुद उस पर एक महीना डेडिकेटेडली काम करके देखा और फाइनली अभी जनवरी के अंदर जो है मैं आपको ये बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं कि मैंने जो पैसे कमाए हैं वो कितने कमाए हैं। ये आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा और साथ ही साथ ये मॉड्यूल जो है वो किस तरह से काम करता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, वो सारी डिटेल भी आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। सो दोस्तों जल्दी से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मेरा आईडी है मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, जहां पे मैं बहुत सारे ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देते रहता हूं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे वहां पे पूछ सकते हैं, देन एंड देयर आपको जो है तुरंत रिप्लाई भी मिल जाएगा। सो दोस्तों यहां पे सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से जो है मैंने कितना पैसा कमाया, जो अकाउंट में मेरे क्रेडिट हुई है वो सारे स्क्रीनशॉट जो है आप अभी यहां पे देख सकते हैं। सो यहां पे दोस्तों मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिया कि किस तरह से जो है ये सारे पैसे कमाए। इनका अगर मैं टोटल करता हूं पूरे दिसंबर महीने के अंदर करीब 7000 से ज्यादा रुपए जो है मैंने यहां से कमाए हैं और इनमें मैंने सिर्फ एक टेस्टिंग के तौर पर जो है मैंने काम करा, कोई ज्यादा हैवी लोड नहीं लिया क्योंकि बहुत सारी अदर अब मेरे पास काम अवेलेबल है तो उन काम को जो है मैंने बैकएंड में नहीं डाला। बिल्कुल दो दो तीन तीन घंटे ही निकालकर जो है मैंने ये पूरा ड्रॉप शिपिंग का काम करा एक महीना और उसी से जो है ये रिजल्ट सामने निकल कर आए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि यहां पर ड्रॉप शिपिंग है क्या। तो ड्रॉप शिपिंग बेसिकली यहां पर हमें कोई भी खुद जो है इन्वेंटरी मेंटेन नहीं करनी होती है, कोई भी हमें कोरियर मेंटेन नहीं करने का, कोई भी हमें शिपिंग मैनेज नहीं करनी होती है। तो ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका है जहां पे हम डायरेक्टली एंड जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हीं से हम डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस करते हैं और वो जो है हमारा जो भी हमारा नाम है प्राइवेट लेबल के जरिए ही वो प्रोडक्ट को एंड कस्टमर तक डिलीवर करते हैं। तो बेसिकली हमें जो है सिर्फ एक मीडिएटर की तरह काम करना होता है। ये है ड्रॉप शिपिंग कि हमने होलसेलर्स के साथ में या फिर मैन्युफैक्चरर्स के साथ में हमने डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है और वहां से बहुत सारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स के उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने कस्टमर्स को सेल करना है बाय एडिंग आर ओन मार्जिन्स और ऑर्डर आने पे हमें जो है आगे फॉरवर्ड कर देना है, वहां से डायरेक्टली जो है प्रोडक्ट शिप कर दिया जाता है। तो दिस इज दी ड्रॉप शिपिंग। बेसिकली अगर बात करी जाए ट्रेडिशनल मार्केट के कंपैरेटिव में तो दुकानदार भी वही करता है, पहले होलसेलर से सामान लेकर आता है खुद और उसके बाद अपनी मार्जिन ऐड करके कस्टमर को रीसेल करता है। तो वही प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफरेंट है कि हम यहाँ पे खुद की इन्वेंटरी मैनेज नहीं करते हैं। अब यहां पे इसके कुछ बेनिफिट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला यहां पे बेनिफिट आता है यू डोंट नीड ह्यूज मनी, मतलब आपको इसको काम करने के लिए जो है पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं है। बट ऑब्वियसली आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, एक मोबाइल चाहिए और आपको जो है अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक्टिव रहना पड़ेगा, तब जाकर ये जो है आप इसके अंदर सक्सेस पा सकते हैं। और इन सब के लिए जो है आपको थोड़ा बहुत जो पैसा है वो लगाना पड़ सकता है। अगर आप बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं तो भी आपको जो है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आप बहुत ही कम पैसे के अंदर जो है गूगल एड्स चला सकते हैं, फेसबुक एड्स वगैरह, अपनी इंस्टाग्राम एड्स वगैरह रन करके भी यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हैं। इसके बाद जो अगर दूसरे की बात करूं तो यहाँ पे है कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी। तो बेसिकली यहाँ पे जो है हमें खुद की, क्योंकि हम इन्वेंटरी मैनेज नहीं कर रहे हैं, जो शिपिंग है वो हमें मैनेज नहीं करनी है, तो उसके ट्रैकिंग सिस्टम वगैरह वो सारी के सारी चीजें जो है हमें प्री डिफाइंड भी मिल जाती हैं। अब वो कैसे मिलती हैं, किस तरह से आप भी जो है प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स के साथ में एनरोल हो सकते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो यहां पे आपको बेसिकली जो है कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपना एक डेली बेसिस पे जो भी प्रोडक्ट आपको सेल करनी है अपने कस्टमर्स को, उन प्रोडक्ट्स को जो है आपको आगे शेयर करना है बाय एडिंग योर ओन मार्जिन्स, बस इतना ही आपको करना है और वो भी आपको कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं रहना है, जैसा आपका कन्वीनियंस हो वैसा आप इसमें कर सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं तीसरे की बात करूं तो मोबिलिटी।
तो मोबिलिटी कहने का मतलब है कि आपको, क्योंकि यहां पे खुद आपके ऊपर कोई भी वर्कलोड नहीं है, तो आप कहीं से भी कोई भी अगर ऑर्डर आता है तो आपको खुद खुद जो है फिजिकली कुछ भी नहीं करना है। यहां से कस्टमर का ऑर्डर आया, उस ऑर्डर को एंड जो भी मैन्युफैक्चरर है या रीसेलर है उनको जो है होलसेलर्स है उनको आपको फॉरवर्ड कर देना है। बस इतना काम ही आपको करना है जो कि आसानी से मोबाइल के जरिए भी करा जा सकता है। इसके बाद जो हमारा बेनिफिट आता है, इट इज अ ट्रस्टेड मॉड्यूल। अब ये एक ट्रस्टेड मॉड्यूल इसलिए है क्योंकि अगर बात करें हम ट्रेडिशनल मार्केट की, तो कोई भी दुकानदार आज दुकानें जो है अभी तक इसलिए चलती आ रही हैं क्योंकि यहां पर जो चीजें आप खरीदते हो तो आपको पता है वो दुकान वहां पर है। कोई भी प्रोडक्ट आप घर खरीद के लेके आते हो तो उसमें कोई भी डिफेक्ट है तो हम जाके तुरंत जो है उस दुकानदार को बोलते हैं तो वो उसको एक्सचेंज कर देता है। अगर हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है तो रिफंड वगैरह की पॉलिसी जो है उनके अपनी अपनी दुकान के हिसाब से होती है। लेकिन यहां पर भी आपके पास ऐसे बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है जिनके साथ आप एसोसिएट हो सकते हो ड्रॉप शिपिंग के लिए। और यहां पर अगर कोई भी एंड कस्टमर को कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा है, उसको क्वालिटी पसंद नहीं आई है या प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, तो बहुत ही आसानी से आप जो है अगर एक्सचेंज करवाना चाहते हैं आप एक्सचेंज करवा सकते हैं। अगर आप जो है उसको रिफंड करवाना चाहते हैं मतलब वापस देना चाहते हैं तो आप यहां पे वापस भी दे सकते हैं। तो ये एक ट्रस्टेड मॉडल है, इसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्योंकि अभी पिछले एक महीने के अंदर जो मैंने काम करे उसमें भी बहुत सारे कुछ ऑर्डर्स जो ऐसे रहे, कस्टमर्स को कुछ मटेरियल पसंद नहीं आया, हो सकता है कि एक कस्टमर को जो है प्रोडक्ट एक डिफेक्टिव मिला तो वो बहुत आसानी से रिटर्न हो गया और उसकी जगह पे दूसरा जो है प्रोडक्ट उनको डिलीवर कर दिए गए। तो ये ट्रस्टेड मॉडल है और इसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद जो है अब यहां पे बात आती है कि हाउ डू आई फाइंड ड्रॉप शिपिंग होलसेलर्स। तो बेसिकली अगर आप इंडिविजुअली खुद अपना जो है बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, आप खुद को चाहते हो कि मैं जाकर पहले जो है होलसेलर से मिलूं, वहां से जाकर जो है मैं प्रोडक्ट लेकर फिर उसको आगे शिप करूं, तो बेसिकली इस तरह करने से क्या होगा कि आपको एंड यूजर को यानी कि होलसेलर्स के पास जब जाओगे तो पहली बात तो आपने आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है सेल करने का। आप जो है पहली बार करने जा रहे हो, आप सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे ये आपको भी नहीं पता है। और इसी के बेस के ऊपर में कोई भी होलसेलर या मैन्युफैक्चरर जो है आपको प्रोडक्ट जो है कम मार्जिन के ऊपर नहीं देगा, और वो भी तब जब आप ये उनको बोल रहे हो कि भाई जब मेरे पास ऑर्डर आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, और तब आप अपने नाम से ना करके अपनी ब्रांडिंग ना करके आप मेरी ब्रांडिंग करोगे तो कोई भी राजी नहीं होगा। उसके साथ साथ में वो आपसे बहुत सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेगा। लेकिन कुछ ऐसे मॉडल्स भी अवेलेबल हैं जहां पे आपको इन सब चीजों की कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह की इनिशियल स्टेज पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बहुत आसानी से उन प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो है बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स जो है पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, उनके प्रोडक्ट्स को रीसेल कर सकते हो। कोई भी एक सिंगल ऑर्डर भी आपके पास आ रहा है उनके लिए तो आप अपने प्राइवेट लेवल के साथ में पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरे उस चीज को जो है डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हो, वहां तक डिस्पैच करवा सकते हो, डिलीवर करवा सकते हो। तो ये जो है बेनिफिट्स हैं यहां पे ड्रॉप शिपिंग के जरिए। अब ड्रॉप शिपिंग आपको किसके साथ करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, कैसे आपको बेनिफिट होगा, तो इस तरह के बहुत सारे आपके सवाल मन के अंदर जो है सवाल उठ रहे होंगे। तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ दिखा दिया कि मैंने जो है करीब 7,000 के आसपास जो है यहाँ पे मैंने पैसे जो है कमाए हैं, प्रॉफिट कमाया है, जिसमें अंदर मैंने हार्डली 2 या 3 घंटे ही डेली बेसिस पे दिए और बीच में जो है करीब कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं नहीं भी ज्यादा टाइम दे पाया, उसके बावजूद भी जो है मैंने 7,000 से आसपास जो है पैसे कमा लिए। सो अगर आपका कोई भी इस तरह का सवाल है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगला वीडियो तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।